तो दोस्तों यह फिल्म आदिपुरुष जो कि थिएटर्स में आने के साथ ही जमकर कलेक्शन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है। और जैसे कि इस फिल्म को लेकर हर तरफ यही बातें चल रही है कि यहाँ पर क्या मेकर्स ने अभी तक रियल रामायण कहीं देखी या पढ़ी नहीं है क्या। और जैसे कि अब यहाँ इसी बीच यहाँ पर फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स जो कि कहीं ना कहीं इसे समझ रहे, और इस बीच फिल्म आदिपुरुष की टीम का एक माफी नोट भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ फिल्म आदिपुरुष की टीम जो कि यहाँ सभी तरह की नेगेटिविटी को देखने के बाद यहाँ पर माफी मांगते हुए दिख रहे, और खासकर जैसे कि यहाँ पर सभी के सेंटिमेंट्स को देखते हुए और इस ईपी की स्टोरी का रिस्पेक्ट करते हुए इस फिल्म से सारे के सारे वो डायलॉग्स हटा दिए जाएंगे जिनसे कि सभी को काफ़ी ज़्यादा खेत पहुँचा है। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ इस बीच सभी का सोचना ये भी है कि आखिरकार ये कब होगा। जैसे यहाँ फिल्म तो रिलीज़ हो चुकी है और इस फिल्म को फिलहाल तो हटाया नहीं जाएगा, और इस बीच ये फिल्म जो कि यहाँ थिएटर्स में चलने वाली है, तो इसमें कहा जा सकता है कि फिल्म भले हमें OTT से लेकर टेलीविज़न पर अलग तरीके की देखने को मिले, लेकिन यह फिलहाल तो थिएटर में इसी वर्जन के साथ सभी को ये फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच फिल्म के कलेक्शन को भी देखा जाए तो ये हमें 200-300 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड पार होता हुआ दिख रहा है, और जिसकी फिल्म का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है। लेकिन ये फिल्म ज़्यादा लंबी तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा आहत तो हो ही रही है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।